नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में बीते वर्ष दिसंबर माह में जिला पंचायत से जोलाहापुर से कंदरापुर तक बीच सड़क बनी और आखापुर यादव पूर्वे के पास घरों के गंदे पानी से धीरे धीरे बीच से टूटकर आज एक बड़े नाले में तब्दील हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व एमएलसी कैलाश यादव सहित उनके पूर्वे के पांच घरों का गंदा पानी लगभग छह महीने से सड़क पर बह रहा है। नापतान की नाली को लोग पाट दिए हैं, जिससे गंदा पानी सड़क पर फैलकर बह रहा है। आज उक्त सड़क कैलाश यादव पूर्व एमएलसी के घर से लगाए 100 मीटर उत्तर दोनों पटरी सहित मोड़ तक तथा उससे पहले भी सड़क में भयानक एक फुट गहरा लगभग 5 मीटर लंबा बड़ा गड्ढा तालाब जैसा गंदा पानी से हो गया है। उक्त सड़क पर पैदल चलना दूभर हो गया है। सड़क पर छोटे बड़े वाहनों के आने जाने से हमेशा फिसलन भरा कीचड़ फैला रहता है, जिससे पैदल तो चलने में न जाने कब और कहां पैर फिसल जाएगा, इसका बराबर खतरा बना रहता है। इस सड़क मार्ग से रोजाना हुसैनपुर जानकीपुर मरसिया ताहबरपुर टीकापुर भुर्रा मकबूलपुर बसीजर मजेपुर रवनपुर अहियाई औंती मालनपुर मानिकपुर बिसौली बेगपुर सौरूपुर कोटौली नवापुरा महुआर जोलाहापुर गजेपुर आदि गांव के सैकड़ों लोगों के साथ ही कभी कभार अधिकारी भी गुजरते हैं। यहाँ समर्थकों नहीं दोस्त गोसाई की चौपाई चरितार्थ करती है। कोई जिम्मेदार यह नहीं पूछता इन मनबल लोगों से कि किसके आदेश से गंदा पानी तुम लोग सड़क पर बहा रहे हो, लोगों के वाहन कपड़े गंदे होने का जिम्मेदार कौन होगा, क्षतिग्रस्त मार्ग को कौन बनवाएगा। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश कुमार यादव हरिराम यादव शिव कुमार यादव हिंदराज बेनबंसी अमरजीत बेनबंसी अंगूराम यादव नगदू चौहान के किराय शरद राय दशरथ निषाद रामधार यादव त्रिलोकीनाथ निषाद बरखू गौड़ सुभाष वर्मा रिंकू वर्मा अकलू शर्मा अजय शर्मा आदि उपस्थित रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए काशीनाथ यादव की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।